स्वागत है आपका प्रिंस कुमार ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं करके, हम लोगों ने क्या काम करना है आपको बताती हूँ मैं। हम लोगों ने ना गन्ने का ठेका ले रखा है, गन्ने का ठेका ले रखा है 5-6 बीघे का करीबन। वो कितने में ले रखा है करके वो मिस्टर जी को पता होगा, मुझे पता नहीं है। और जाएंगे अभी खेत में हम लोगों ने ना, वहाँ पड़ोस में के दीदी लोग भी लगा रखे हैं गन्ना काटने के लिए। और मैंने बोला मिस्टर जी से हम भी जाते हैं करके खेत में, आज थोड़ी हम लोगों से भी हो जाएगी करके हेल्प। इतने पैसे कम जो देने पड़ेंगे बाहर वालों को, थोड़ा हमारे बच जाएंगे। तो जाते हैं हम लोग भी अभी खेत में। मिस्टर जी अभी बाथरूम में गए हुए हैं, आएंगे मिस्टर जी अभी, फिर मिस्टर जी से भी मिलाऊंगी आप लोगों को मैं। अब ना मेरे मिस्टर जी भी आ गए हैं, मैं मिस्टर जी से भी मिलाती हूँ आप लोगों को। ये है मेरे मिस्टर जी, हाय बोलो। हाय। ये ना अभी खेत में जाने के लिए वो भी साबुन से हाथ मुंह धो के आ रखे, देखो टॉवल पकड़ रखा है, धो रहे हैं अच्छे से। ऐसे बोल रहे हैं कि सिर बात के जाऊंगा करके, खेत में काम जो करना है। जा रहे हैं हम लोग खेत में, दिखाते हैं आप लोगों को खेत में पहुंचने के बाद गन्ना। हम लोग यहाँ ना गन्ने के खेत में पहुंच गए हैं, और ये गन्ना ले जाने के लिए ट्रॉली भी आ रखी है। वो मिस्टर जी आगे से जा रहे हैं, ट्रॉली वाले को फ़ोन कर रहे हैं किस समय आओगे करके गन्ना लेने। ट्रॉली वाला ना ट्रॉली यहाँ छोड़ के गया है, अभी आ नहीं रखा है गन्ना लेने के लिए, थोड़ी देर में आएगा। ये हम लोग यहाँ गन्ने के खेत में पहुँच गए हैं, और यहाँ पर दीदी लोग गन्ना काट रहे हैं, गन्ना काटने आ रखे हैं। और क्या नाम देने, गन्ना काट रहे हैं, घास खिलाएंगे गाय भैंसी को, और ये पैसा दूंगा मैं, पैसा देगा ये मनोज, पैसा देगा। इन्होंने ठेका ले रखा है, ये ठेकेदार गन्ने के, और ये दीदी यहाँ पर गन्ना काटती हैं। और लोग आए नहीं आज, और लोग आए नहीं है, वहाँ भी हो। और एक वो आंटी जी आ रखे हैं, आंटी जी भी गन्ना काटती हैं। अभी और लाना 7-8 दिनों को, बहुत सारे लोगों को बुला रखा था, अभी नहीं आ रखे हैं, केवल 2 लोग आ रखे हैं, बस हो गया अभी। आज मैं वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो बनना तुम जल्दी आओ यार। थोड़ी देर दीदी को रेस्ट मिल गया हमारी। ये कब का ढाला दीदी तुम्हें? पूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर देना इसको, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। और तो मुंह खोल ली थोड़ा, अब यहाँ पर वो मिस्टर जी ने भी दराती पकड़ दी है, वो भी काट रहे हैं गन्ना। तो खाने के लिए काट रहे हैं, वो खाने के लिए काट रहे हैं, बोल वैसे नहीं काट रहे, खाता हूँ बोल रहे हैं, देखो काट रहे हैं। आप लोग भी खा सकते हो गन्ना, आ जाओ, जिसको गन्ना पसंद है, जिसने जूस पीना है जूस के लिए ले जाओ जल्दी से। गए हम गन्ने के खेत में भी। ये काट लिया मिस्टर जी ने खाने के लिए, ये खाने के लिए इन्होंने गन्ना काट लिया अपने। ये दीदी यहाँ पर गन्ने के मुट्ठे बना रही हैं, देखो मुट्ठे बांध रही हैं, मुट्ठे बांधने के बाद इनको इकट्ठा करेंगे एक जगह, उसके बाद ट्रॉली में डालेंगे इनको, ट्रॉली में ले जाएंगे इनको, जहाँ गन्ना सेंटर है वहाँ जाएगा गन्ना, फिर उसके बाद वहाँ से तुलेगा, तुलने के बाद आगे को जाएगा। और मिस्टर जी ये ट्रॉली बुला रहे हैं, बल ट्रॉली वाले को फ़ोन करता हूँ, बोल रहे
कल परसों आएगी बल ट्रॉली, आज नहीं आएगी। ये मिस्टर जी भी उठा रहे हैं, उठा के इकट्ठा कर रहे हैं गन्ना, बोल रहे हैं इतनी हेल्प मैं भी कर रहा हूँ, बल आप लोगों को डबल कम मिलेंगे। ये है मिस्टर जी, ये काम में जुट गए हैं, देखो 100 रुपए मेरे भी हो गए बल दो मुट्ठे उठाने के। और वहाँ वो आंटी जी ने भी काट रखा है, उसको भी मिस्टर जी ला रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर। ये सब यहाँ पर इकट्ठा कर दिया ए मिस्टर जी ने, ना सब गन्ना यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, इतना काट लिया दीदी लोगों ने, और अभी काटने में ही है आगे को भी। वो आंटी जी भी गाय के लिए घास बना रहे हैं, घास के अभी मुट्ठे बना रहे हैं, और एक मुट्ठा और बचा है उसको भी ला रहे हैं मिस्टर जी। चल रे, चलो भारी हो रहा है। हाँ भारी हो रहा है, रखो एक सिर में। हाँ दीदी, सिर में नहीं रखना है। खेत में जाने के बाद मैंने भी गन्ना काटा, देखा होगा आप लोगों ने गन्ना कैसे काटा करके, और मिस्टर जी ने भी काटा, और क्या कहते हैं इतना सारा भी काट नहीं है, ज़्यादा नहीं काटा है, आज से शुरू हो रहा है मतलब काटना। 5-6 बीघा का ठेका है, मिस्टर जी से पूछ लिया मैंने, 6 बीघा है बोल रहे हैं, और इसको काटने में तो लगेंगे कम से कम 15-20 दिन लगेंगे, बहुत ज़्यादा दिन। दीदी लोगों ने भी अपना घर का काम भी करना पड़ता है ना, और गाय बच्चियाँ भी हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर आएंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने दूध लगाना होगा तो दीदी लोगों के पास गाय भी है। आमा अब आप लोग गन्ना काटो, हम लोग घर को जाते हैं। हाँ हाँ, आमा ने भी हाय बोल दिया। ठीक है, आप लोग गन्ना काटो, हम लोग घर को जाते हैं। हाँ हाँ, चाय बना के ले आएंगे, पानी भी ले आएंगे, ठीक है। ए मिस्टर जी जा रहे हैं आगे, आगे को छोटा छोटा हो रखा है गन्ना। हो यहाँ जंगली गाय भी आ जाती है ना चरने के लिए, तो छोटा छोटा हो रखा है सब, वहाँ वो लास्ट कोने तक गन्ना ही गन्ना है सब। अभी तो खाली शुरुआत हो रही है काटने की आज के दिन से। ठीक है, और घर को जाते हैं अब। वो अम्मा और दीदी ना अभी गन्ना काटने में ही है, और हम लोग घर को जा रहे हैं अब। और लोग तो आए नहीं, बहुत सारे लोगों से बोल रखा था हमने, अभी बहुत सारा गन्ना है नीचे तक, देखो सब दिख रहा होगा वीडियो में, जितना नहीं दिख रहा है फिर अगले वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये देखो सब गन्ना गन्ना है, और मिस्टर जी वहाँ ना आगे खड़े हो रखे हो, मेरे को रुके हैं, गन्ना ले जा रहे हैं खाने के लिए। ये यहाँ पर ना ये गन्ना ले जाने के लिए ट्रॉली है, और मिस्टर जी वो ट्रॉली के पास चले गए हैं। ये ट्रॉली ना हम लोगों ने ठेके में ले रखी है, अप्रैल मई के महीने तक गन्ना चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च अप्रैल तो लास्ट ही होगा, तब तक गन्ना चलेगा, तब तक ये मिस्टर जी ने ठेके में ले रखी है। अगर दीदी लोग दो ही लोग होंगे तो ना गन्ना काटने के लिए तो टाइम लगेगा, कल परसों तक भर पाएगी एक ट्रॉली। बहुत सारे लोगों से बोल रखा था, आजकल ज़्यादातर शादियों का सीज़न भी है, लोग आ नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, घर के भी कई सारे काम जा रहे हैं, सबके पास अपनी अपनी गाय बच्चियाँ होती हैं। और मिस्टर जी फिर से ट्रॉली वाले को फ़ोन लगाने लग गए, शायद बिजी हो रखे हैं वो। ये मेरे मिस्टर जी ने गन्ना पकड़ के सीधे आगे को दौड़ लगा रखी है, वो कितना दौड़ रहे हैं देखो, बहुत तेज़ चल रहे हैं, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ उनके बराबर। हम लोग ना गन्ने के खेत में से घर आ गए हैं, थकान जैसा हो गया, बिल्कुल मुंह भी अजीब सा हो गया, और मिस्टर जी ना खाने के लिए गन्ना भी लेके आए हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मिस्टर जी गन्ना लेके आए हैं खाने के लिए, आप लोग भी खा लो, बहुत ज़्यादा थकान लग गया है, मिस्टर जी को भी थकान लग गया शायद, यहाँ देखो एक बार थकान लगा है, इनको भी थकान लगा है, बस छोटा सा जैसा हो गया है, काम करके आओ तो ना यहीं से अजीब सा हो जाता है। फिर इस वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।